हम लोगों ने सब जर्नलिस्ट ने खबर की कि चलिए सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, पाकिस्तान की दीवारें छोड़ के आ गई। बहुत बढ़िया, लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है। खबर चली दो तीन दिन, ठीक है। अचानक एक हफ्ते बाद हम लोगों को लगा कि नहीं नहीं ये तो जासूस है। हमने ETS वहां पहुंचा दी। ETS ने जो दिखाया वो हमने फुल जुलूस निकाला। फिर हमें हफ्ते बाद लगा कि अब ये भी हो गया, ETS वाला एंगल भी निकला। फिर हमने उसको देशभक्त बना दिया। हमने तिरंगा माथे पे लपेट के हम दिखा रहे हैं उसको। घर जाके बच्चा पूछता है हमसे कि पापा वैसे ये वास्तव में है क्या, ये मतलब प्यार में अंधी होके आई है, ये जासूस है, या ये वाकई देशभक्त बन गई है। बस इस कहानी को हम निचोड़ लें तो हमारा जर्नलिज्म बाहर आ जाता है। जब वो पहले दिन आई, हमें तभी ये पूरा डेप्थ में जाके ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या ये लेडी कहीं जासूस तो नहीं है। हमने नहीं किया, हमने जो आया सो चलाया। अरे अरे पाकिस्तान से आगे फिर अंजू लॉन्च हो गई। मेरा ये सिर्फ मिसाल दी है मैंने, मुझे किसी ने ये हैसियत नहीं दी कि मैं इस चीज को ये कहूं कि ठीक है ये गलत है, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया तो ये है। मैं जो सोचता हूं मैं वो बता रहा हूं कि आप बताइए, एक महीने में हमने एक करेक्टर को तीन जगह रख दिया, लोग क्यों भरोसा करेंगे हम पे? वो कहेंगे तो वही है जो सीमा हैदर को हर 15 दिन बाद कुछ नया बना देते हैं। सो नंबर गेम से बाहर आके क्रेडिबिलिटी पे लौटना है, और क्रेडिबिलिटी के लिए हमें नेशनल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में वापस जाना है, लोगों के बीच जाना है। लोगों को लगता है कि टेलीविजन पे हम पीछे छूट गए हैं, नंबर आगे निकल गए हैं, ये कहना है मेरा।